प्रसाद, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे तुझे जलेबी प्रसाद की पड़ी है। दीदी ने दादी को बता दे और दादी ऊपर आ गई तो क्या करेंगे हम? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सागर। वही तो बोल रहा हूँ मैं। क्या होगा सागर? मुझे भी नहीं पता। अम्मा जी! अम्मा जी! ये मैरी क्यों चिल्ला रही है? सूरज में इतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी इस मैरी के सिर पे चढ़ी जाती है। क्या सिर पे क्यों घर को सिर पे उठा के रखा है? क्या बात है? अम्मा जी! ये भगवान, ये अपने साथ साथ मेरी भी शामत बुलवाई। क्या ट्रेन की इंजन की तरह सर पर भागी चली आ रही है? क्या बात है? अरे पागल हो गए? अम्मा जी, अम्मा जी, इंजन की तरह सीधे चक चली आ रही है। मैं गिर जाती तो बुढ़ापे में मुझे अस्पताल भेजने का मूड है तुझे? अम्मा जी, वो ऊपर ऊपर वो देखा? वो देखा? वो देखा? हाँ। पगली कही की तुझे क्या लगता है कि मैं कोई देवी देवता हूँ या भगवान जी हूँ कि कहेगी कि वो देखा तो मैं समझ जाऊंगी? भूत प्रेत देखा? नहीं नहीं। चूहा देखा? नहीं। बिल्ली देखी? नहीं। कुत्ता देखा? हाँ, वही वही जो आपने आखिरी में कहा। कुत्ता? अम्मा जी, कुत्ता नहीं, कुत्ते का बिल्ला देखा। हाँ, वो ऊपर। कुत्ते का बिल्ला देखा? बिल्ली कुत्ता जैसे जानवर घर में प्रवेश ना करें। हर बात का ध्यान रखना और अगर उनकी बात का पालन नहीं हुआ ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख पहरी, सच सच बता। हाँ, तूने सच्ची में कुत्ते का बिल्ला देखा? अगर झूठ बोली ना तो मुझे सच्ची में कुत्ते का बिल्ला देखा, उधर बालकनी में देखा, कुत्ते का बिल्ला। हाँ, देखा। बहू, मैंने पहले से ही कहा था ना कि घर की शुद्धि होनी चाहिए, फिर ये कुत्ते का पिल्ला हमारे घर में आया कैसे? कल ही पंडित जी बता के गए कि घर की शुद्धि होनी चाहिए। हे भगवान! अरे, इस कुत्ते के पिल्ले की हिम्मत कैसे हुई कि अम्मा जी के घर को अशुभ करने के लिए चला आया? मार्गर सागर, अगर अम्मा जी को जलेबी प्रसाद के बारे में पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। हाँ, जैसी दादी को जलेबी प्रसाद के बारे में पता चलेगा तो इसे उठा के बाहर ही फेंक देंगी और पनिशमेंट देंगी वो अलग। हम तो बुरे फंस गए सागर। ये कमाल कैसे किया तुमने सागर? कमाल नहीं, दिमाग यूज किया पगली। अब ले इसे पकड़ दो। हाँ। अच्छा, लेकिन गंगा अभी हमें बहुत ध्यान से रहना होगा। जलेबी प्रसाद को ऐसी जगह छुपाना होगा जहाँ से कोई भी ना देख पाए। इतने साल हो गए शादी को, आज तक इतना ही समझ पाए मुझे कि मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं। फिजूल खर्ची, जैसे इनका घर फिजूल खर्ची कर करके चलाती आई हूँ मैं आज तक। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अरे माधवी, तुम यहाँ? और कहाँ जाऊंगी, बता के तो आई थी कि अपने कमरे में जा रही। और वैसे भी ये सब गहने खरीदना पहनना ये सब नई नवेली दुल्हनों के चोचले होते हैं और कुछ नहीं। हाँ हाँ, सोने की तरह, क्योंकि सोना जितना पुराना होता है उतना ही खरा होता है। ये कब लाए? करवा चौथ वाले दिन। ओह, जलेबी प्रसाद, कितने पेट हो तुम? लो एक और बिस्किट खा लो। माला बन गई? वही बना रहे हैं अम्मा जी, थोड़ी देर में बन जाएगी, तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? तुझे काम सौंपा है, चिंता करना तो बनता है।